Section 154, question by party to his own witness. Section 154 पर discussion करते हैं. Section 154 ये बताती है कि क्या कोई party जिसने अपने witness को chief in examination में बुलाया था, क्या वह party ऐसे witness से ऐसे question कर सकती है जो adverse party cross examination के दौरान करती है. तो इस सेक्शन को ठीक से समझने के लिए हम वेयर एक्ट की लैंग्वेज की रीडिंग लगाते हैं. के फर्स्ट पार्ट में बोला है, द कोर्ट मे इन इट्स डिस्क्रिशन परमिट द पर्सन हु कॉल्स अ विटनेस टू पुट एनी क्वेश्चन टू हिम व्हिच माइट बी पुट इन क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द एडवर्स पार्टी. इस फर्स्ट प्रोविजन में बताया है कि कोर्ट उस व्यक्ति को जो विटनेस को बुलाता है उस विटनेस से ऐसा कोई भी क्वेश्चन करने की परमिशन अपने विवेक के अनुसार दे सकेगा जो प्रतिपक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में किए जा सकते हैं, यानी जो क्वेश्चन एडवर्स पार्टी क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान उस विटनेस से पूछ सकती है. यानी ये कोर्ट के डिस्क्रिशन पावर है कि ऐसा क्वेश्चन पूछने के लिए कोर्ट अनुमति दे या नहीं दे. सेकंड, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल डिस एंटाइटल द पर्सन सो परमिटेड अंडर सब सेक्शन 1 टू रिलाई ऑन एनी पार्ट ऑफ द एविडेंस ऑफ सच विटनेस. सेकंड पार्ट में ये बताया गया है कि इस सेक्शन की कोई भी बात के फर्स्ट प्रोविजन के अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति को, किसी भी ऐसी पार्टी को जब ऐसी परमिशन दी जाएगी और ऐसे विटनेस से ऐसे क्रॉस क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान किए जाने पर जो एविडेंस वो विटनेस देगा, ऐसे एविडेंस या ऐसे स्टेटमेंट्स के बेसिस पर जिस पार्टी ने उस विटनेस को बुलाया था वही पार्टी उन एविडेंस के बेसिस पर अपना एविडेंस मजबूत कर सकेगी, ऐसा ऐसे अधिकार से उसे वंचित नहीं किया जाएगा. आई थिंक दिस सेक्शन इज क्लियर.